कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे, जय गौर नित्याय गौर नित्याय, जय हरे गौर नित्याय गौर जय नित गौर हरे गौर नित्याय नित गौर नित्याय गौर नित्याय, जय गौर गौर नित्याय जय जय प्रभुपाद जय गौर नित प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य प्रभुपाद कर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल, हरि जय बोल जय गौर गुरुदेव हरि बोल गुरुदेव गुरुदेव गौर गुरुदेव। और प्रेमानंद हरिनाम संकीर्तन की जय, हरि बोल श्री जय प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण जय हरे कृष्णा। एक बार सभी सभी हमारे माताएं और प्रभु जी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों को हृदय से नमन करते हुए और आप सब लोग को इस गीता महायज्ञ जो 18 दिन का हम सब लोगों ने आप सब लोगों ने शुरू की उस यात्रा को प्रारंभ रखते हुए और हमें प्रेरणा देते हुए कि हम सब लोग इस गीता के यज्ञ को संपूर्ण करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस गीता का ज्ञान हम सब लोग बचपन से गीता 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 के बारे में सुनते हैं, लेकिन अंततः गीता के बारे में हमारा ज्ञान जो है अपूर्ण रहता है। अपूर्ण इसलिए क्योंकि हम सब लोग को बराबर इसकी शिक्षा नहीं दी गई है। ये भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र वाणी है जो भगवान ने बड़े सुंदर गीत के रूप में अर्जुन को हमारे लिए मात्र 40-45 मिनट में बहुत ही एकदम स्पष्ट रूप से समझाया कि मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए ये प्रमुख रूप से एक मैनुअल है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और इसको पूर्ण करना है, इसको पढ़कर अपने जीवन को हम सब लोग को सार्थकता और जीवन के पूर्ण लक्ष्य को, वो लक्ष्य क्या है हरे कृष्णा, वो लक्ष्य क्या है हमारा, भगवत धाम को प्राप्ति करना। और उस प्राप्ति करने के लिए गीता ही एक तरह से हमारे लिए मैनुअल बनता है। और हम सब लोगों ने कल के सत्र में 12वें चैप्टर में हम सब लोगों ने कल भक्ति योग को, हम सब लोगों ने 6 दिनों से हमने भक्ति योग के बारे में पढ़ा। उसके पहले 6 दिनों हम लोग ने क्या पढ़ा हरे कृष्णा, पहले 6 दिनों में एक कर्मयोग कर्मयोग के बारे में पढ़ा। उसके बाद 6 हम सब लोगों ने पिछले, और कल के सत्र में हम लोगों ने भक्ति योग के बारे में अलग अलग पहलुओं को देखा। आशिमा माता जी, आपने यूट्यूब, पता नहीं समय मिला कि नहीं आपको, आपने देखा, सॉरी यूट्यूब कह रहे रिकॉर्डिंग, नहीं, आज नहीं देख पाई थी। कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ आप जी देख लीजिएगा। हाँ जी, उसमें हमने अर्जुन के बहुत सारे प्रश्नों को, कृष्ण भगवान अर्जुन और प्रश्न करते हैं विराट रूप देखने के बाद अर्जुन के मन में उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म, न तो निर्गुण और सगुण में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि जो है सगुण भक्ति श्रेष्ठ है। सगुण भक्ति श्रेष्ठ क्यों है, हम सब लोगों ने कल 4 कारण जाना था, कोई एक एक करके कोई बता सकता है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। इसमें किसी को भी ये सोचने का नहीं कि प्रभु जी किसी का एग्जाम नहीं ले रहे, मैं बस आप लोग को याद कर, इससे याद करके मैंने, मेरा मकसद आप लोगों को यहाँ पर गीता का ज्ञान देने का या गीता के बारे में चर्चा करने का एक ही मकसद है कि आप सब लोग आगे जो है और लोगों को आप बताएं, आपके मन में उतनी
उत्कृष्ट विचार होनी चाहिए। और ये ज्ञान के माध्यम से, देखिए समरी भी हम किसी को बताएं तो हमारे मुख से निकली हुई एक एक वाणी जो है गीता का, अगर आप ज्ञान देते हैं तो अतः आप अकर्म कर रहे हैं, और अकर्म कर रहे हैं तो भगवान बोलते हैं ये जो लोग होते हैं मुझे अति प्रिय। हाँ, तो चार चीजों के बारे में कि क्यों बताया भगवान ने कि सगुण मतलब साकार रूप की पूजा करना निराकार रूप से ज्यादा बेहतर है। पहला कारण आदान प्रदान प्रसाद भोग भजन कीर्तन ये था क्या सब्जी? हाँ, सबसे पहले तो उसमें आदान भगवान की, सबसे पहले तो उसमें भगवान की विग्रह होती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम सब लोग आदान प्रदान करते हैं बड़े ध्यान से, जैसे कि आपने बोला कि अच्छा प्रसाद भजन नृत्य करना भगवान के सामने में, और हम अपने आप को आनंदमय रूप में वहां देखते हैं, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब लोगों का उसमें अभय प्रभु भी देख सकते कर सकते हैं। हाँ बोलिए कंचन माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे नहीं, वो क्वालिफिकेशन कोई हैं? यस रिक्वायरमेंट नहीं है। यस वेरी गुड, वही बोला कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कंचन माता जी भी कर सकती हैं, सरोज माता जी भी कर सकती हैं, अभय प्रभु कर सकते हैं, मनोज प्रभु, सब कोई जो लोग भी हैं सब लोग कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की ये नहीं है कि उसमें इन्हें आप, जैसे कोई अगर जैसे कोई जॉब में कोई जाता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी को बी चाहिए, किसी को एमबीए चाहिए, किसी को एक्स वाई जेड चाहिए, जो भी हो, लेकिन भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इसीलिए ये अपने आप। और चौथा जो था वो भक्ति योग को पालन करने से क्या होता है, भक्ति योग को पालन करने से क्या होता है, भक्ति योग को पालन करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला उन्होंने भगवान ने कि मैं उसकी रक्षा करूं। तो ये चार चीज याद आएगा, पहला चीज है भगवान की विग्रह है तो उनको विग्रह को देखकर हमारा आदान प्रदान उनसे होता है, अपना ध्यान और ध्यान एकाचित करके उनकी अर्चा विग्रह को पूजा करता है, अपना मन लगाता है। दूसरा उन्होंने कहा अच्छा प्रसाद भजन नृत्य एक्सेट्रा वो कर सकता है भगवान के नृत्य भगवान के सामने भगवान को प्रश्न करने के लिए, और तीसरा जो था कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चौथा भगवान कृष्ण खुद ही उस भक्त का साकार रूप है ना, भगवान साकार रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भगवान प्रकट होते हैं, और इस तरह। और फिर उसके बाद अर्जुन ने कुछ और प्रश्न पूछे कि अगर भक्ति का उन्होंने पूछा कि ये भक्त लोग कैसे होते हैं, फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी ये ना करे ये ना करे ये ना करे, अंत में उन्होंने कहा अरे कम से कम जो कुछ भी ना करे तो कम से कम इस्कॉन मंदिर में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र को सुनकर और वहां पर जो है भक्तों का संग कर वो अंत में सबका जो भगवान जितने भी बताए अंत में उसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष एक ही है कि आपको भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का शरण लेना पड़ेगा। एक परंपरा में जो गुरु होते हैं उनका आश्रय लेना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, प्रशस्त उनके आदेशों को सुनना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं, और यहाँ पर 12वां अध्याय जो है वो समाप्त हुआ भक्ति योग का। हम सब लोगों ने विशेष चीजों को जो भगवान ने बताया वो हम सब लोगों ने देखकर वहां पर सीखा। अब आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, और देखिए इस चैप्टर में भगवान कृष्ण जो है ना वो इसमें हम पहले आप लोग को कुछ चीजें जो है ये बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली में हम सब लोग अर्जुन 6 प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद वो 6 प्रश्न जो है उसमें विशेषकर जो है वो पूछते हैं कि हे कृष्ण प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और गे मतलब वो ज्ञान प्राप्त करके वो कौन होते हैं, तो इनके बारे में 6 प्रश्नों का, तो फिर भगवान एक एक करके छत्र क्षत्रज्ञ ज्ञान का वर्णन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति का प्रक्रिया, प्राकृतिक पुरुष और संग और ज्ञान का दर्शन, और ज्ञानम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट संक्षिप्त में आपको इस चैप्टर में हम सब लोग एक एक करके ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग जब भी कोई जैसे कोई चीज का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम सब लोग को ये मालूम होना चाहिए कि अंततः हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जाएं, हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो उसके पहले हम सब लोग का जो थोड़ा सा, क्योंकि
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समय न मिलने के कारण, मान लिया जाए कि 13वां अध्याय था, कि अगर अगर आप सब लोग में से कुछ लोगों ने शायद उसको पढ़ने का प्रयास भी किया होगा। मैं जानता हूं कि काफी सारे हमारे ऐसे भक्तजन हैं जो उसको बेसिकली पढ़े भी हैं। तो हमारे बीच में माताएं हैं और जो प्रभु जी है, क्योंकि मैं देखा हूं कि आप लोग बहुत सारा अच्छे से जवाब भी देते थे। मैं कुछ पूछता हूँ तो उसका बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब भी दिया। तो आज हम सब लोग जो शुरुआत करेंगे, तो उसमें अर्जुन जो है पहला प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रगेव एव चेतद्वैदिमिच्छामि ज्ञानम गेयम च केशव। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, श्री भगवान उवाच, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिव अभि अभिद्यते एतो वेति तत् प्राहु क्षेत्र इति तद्विदत्। अर्जुन कहते, हे कृष्ण, ये फर्स्ट और सेकंड श्लोक, तो जिनके पास गीता है वो खोल के देख भी सकते हैं और ध्यान से जो जो मैं बोल रहा हूँ आप। अर्जुन क्या कहते, हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, पुरुष कौन भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। कृपया करके आप मुझे उसके ऊपर में अपनी दृष्टि जो है डालकर मुझे ज्ञान को प्रकाशमय करिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये दो चीज का दिव सुनिएगा, भगवान ने क्या कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। आप देखिए, तो हम सब लोग यहाँ पर जब भगवान कहते क्षेत्रज्ञ, अब ये तो हम सब लोग जान गए कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्र कौन है, शरीर क्षेत्र शरीर। हाँ, वेरी गुड, आपने बोला। और क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ एक्चुअली में क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को देखता है वो क्षेत्रज्ञ है ना। हरे कृष्ण, म्यूट कर लीजिए। जो क्षेत्रज्ञ कौन हुआ, जो क्षेत्र को देखता है। तो इस शरीर को कौन देखता है, हरे कृष्ण, इस मैं सिंपल सिंपल चीज, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को मतलब समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि हम सब लोग अब लोग ज्ञान योग में चले गए, भक्ति में बड़ा आनंद, नो प्रॉब्लम, भगवान बोल रहे ठीक है। ज्ञान होता है तब अपना सर थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा ये करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। और बीच बीच में मैं आनंद पूर्वक कुछ कुछ आप लोग को बताता भी रहूंगा, तो आप लोग को उसमें भी आनंद आएगा। तो क्षेत्र और क्षेत्र के, अभी क्षेत्र तो समझ गए, ये शरीर क्षेत्र है, तो क्षेत्र को देखने वाला कौन है, आत्मा, और क्षेत्रज्ञ दो है, परमात्मा भी। तो क्षेत्र हुआ शरीर, क्षेत्रज्ञ क्या हुआ, बोलिए, आत्मा और परमात्मा, बोलिए, आत्मा और परमात्मा जो है दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान ये बोलते हैं। और उन्होंने फिर क्या कहते हैं कि प्रकृति जो है वो मटीरियल क्रिएशन, प्रकृति जो है वो क्या है, ये क्रिएशन जो है वो प्रकृति है। और पुरुष को जो कहते हैं कि जो आनंद भोगने के लिए जो है प्रकृति, प्रकृति का वो अपने जो 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 जितने भी मनुष्य प्रकट होते हैं उनके बारे में कहा गया। और ज्ञानम क्या है, ज्ञानम क्या है, जो क्षेत्र मतलब ज्ञान, जिसको ज्ञान बोलेंगे, ज्ञान क्या है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझे। और इस ज्ञ का मतलब जिस जैसे कहते हैं कि लक्ष्य, इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, हरे कृष्ण, ये तो आप लोग सिंपल है, बहुत आराम से बोल सकते हैं, इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, अरे कृष्ण, मैं कहीं पे कुछ बताने में त्रुटि कर रहा हूं क्या आप लोगों को, नहीं, अगर बोलिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान के शरण में जाना। हाँ, भगवान के, हाँ, परमात्मा को समझना, परमात्मा से हमारा जो श्रद्धा रुचि प्रेम वो बढ़ना, भगवान के
धाम को जाना या भगवान के श्री चरणों को पकड़ना, यही तो कहा कहते ज्ञान का। कुछ भी ज्ञान हो, हम सब लोगों को एक चीज अपना एकदम अंडरलाइन करके लग रही है, ज्ञान सिर्फ वही होता है जो भगवान को हमें समझा सके, है कि नहीं? ज्ञान अच्छा, ज्ञान अगर हम लोग को ABCD पढ़ाया गया, अक्षर ज्ञान कराया गया बचपन में, उसके बाद हमें संख्या ज्ञान कराया गया, इसका 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 इसको कराने का मकसद क्या था? जैसे ABCD, चाहे हम लोग को वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला सिखाई गई, क्यों? क्योंकि आगे जो शब्दों का, मान लिया जाए तीन शब्द, ये तीन अक्षरों का मिलकर एक शब्द बना या चार अक्षरों का, उसको हम लोग पढ़ पाए। तो कहा जाता है कि कोई भी ज्ञान दिया जा रहा है उसका लक्ष्य क्या होता है, एक लक्ष्य होती है, लेकिन परम लक्ष्य कोई ऐसा ज्ञान, हम लोग यहाँ पे वो ज्ञान की बात कर रहे हैं जो परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य क्या है? भगवान प्राप्त करना, ठीक है? इतना तो आप समझ गए, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय, मतलब कि ज्ञान का जो है हम सब लोग का, उस ज्ञान ज्ञान का परम लक्ष्य, ठीक है? आप लोग लिखे छह छह चीजों के बारे में, नहीं अगर नहीं भी लिखे हैं, हाँ माता जी, कंचन माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, प्रकृति और पुरुष के बारे में। हाँ, प्रकृति जो है मटेरियल क्रिएशन, ये जो ब्रह्मांड जो बना, जो प्रकृति जो बनी है, जो भगवान से ही उसका संबंध है, तो प्रकृति बनाई गई इस मटेरियल क्रिएशन किसके लिए? हम पुरुषों की, मतलब हम जो लोग हैं, हमारी मूर्खता के लिए, कि हम सब लोग यहाँ पर भोग करना चाहते हैं। भोगता कौन है? परम भोगता कौन है? भगवान भगवान। बस इतना अगर हमें याद है तो हम सब लोग परिपूर्ण है रूप इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान के बारे में मैंने बोला, ज्ञान जो है हमें प्राप्त कराया था, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, वो ज्ञान जो हमें ईश्वर के बारे में बताए, और वो ज्ञान ईश्वर का, जब हमें ज्ञान मिले तो लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, ठीक है? इतना आप सब लोग समझ गए, ये अर्जुन और कृष्ण के बीच का संबंध है। देखिए ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमको कितना ज्यादा मिला या कम मिला, हम कितना ज्यादा मेमोराइज कर, कुछ लोगों को देखिएगा वो घंटे भर बैठ बैठ के वो मतलब खूब मतलब मेमोराइज करते थे। अच्छा आप लोग, मैंने वो हॉस्टल लाइफ में रहा है ना, तो हम मैंने थ्री इडियट्स देखा था, उसमें थ्री इडियट्स में एक व्यक्ति था, उसका नाम था, कौन क्या नाम था, जो वो रटता था और बंगाली बाबा से चूर्ण लेके आता था, खाता था मेमोराइज करने के लिए, चतुर रामलिंगम, है चतुर, चतुर शायद कुछ कुछ चतुर रामलिंगम या कुछ तो चतुर नाम था। रामलिंगम। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, एक आप बैठ के रटंत विद्या कभी भी काम नहीं आता, तो मेमोराइज करने वाली नहीं। ज्ञान का मतलब है शास्त्र के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करना, हमारा अच्छा व्यवहार, हमारा अच्छा कैरेक्टर। हम सब लोग ज्ञान प्राप्त करके अगर हम व्यभिचारी बने, और हम सब लोग जो है मान लिया जाए घर में कोई आता है, उसके साथ में हमारा व्यवहार बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो, तो वो अच्छा होगा क्या? फिर उस ज्ञान नहीं, का क्या मतलब? अच्छा तो नहीं है। देखिए समाज में अच्छे तरीके से हम सब लोग, हम सभी लोग समाज के रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं? चाहे कंचन माता जी हो, चाहे हमारे डॉक्टर श्रीपद प्रभु हैं, या फिर उर्मिला माता जी भी डॉक्टर हैं, वो सब लोग तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, है कि नहीं? आप लोग सब लोग रिप्रेजेंटेटिव है, और अंततः आपका एक प्रतिबिंब समाज पे असर करता है। देखिए मैं आप लोग को सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, प्रभु ने बताया था कि टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, किसी को कुछ याद है? मैंने एक्चुअली कुछ कुछ किताबें पढ़ी थी, आप सब लोगों ने विभत्सिका, विभीषिका मतलब कि जो मिजरीज, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप लोगों ने सुना? हिटलर नाम का एक आदमी था, मैं किसी द्वेष में कोई चीज नहीं बोल रहा, ना ही मैं इसका इसका प्रतिपेक्ष भी सिर्फ समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, ना मैं कोई
राइट सेंटर लेफ्ट, आजकल क्या है ना, बड़ा परिस्थिति खराब हो गई, जहां आपने कुछ बोला तो लोग लग जाएंगे आपको ट्रॉल करने तो। बट एनीवे, मेरा कहने का मतलब था, हिटलर नामक एक व्यक्ति था, उसने ज्यूज जो थे उनके ऊपर में इतने अत्याचार किए थे, आप सब लोग सुन के दंग रह जाएंगे। मैंने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिनको सोच कर भी मनुष्य का रूह और हृदय कांप उठेगा। एक छोटा सा रूम के अंदर में अनंत लोगों को ठूस कर दरवाजा बंद कर देना, ऐसी अत्याचार। और मुझे क्षमा करिएगा, पहले बोलने से पहले डॉक्टर डॉक्टर श्रीपद प्रभु और उर्मिला माता जी, क्योंकि मैं ये सिर्फ चर्चा कर रहा हूं बताने के लिए, जर्मनी जर्मन जो डॉक्टर्स थे उन लोग क्या करते थे, बिना एनेस्थीसिया दिए हुए वो लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए शरीर को चीर फाड़ कर देते थे। आप सोचिए कितना कष्ट होता होगा उसमें से ये। अब और वो इतनी अत्याचार हुई, इतने ये ज्ञान जो वो समय में उन लोगों के पास वो ज्ञान था, क्या वो सही था ये गलत था? डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता है कि नहीं? हम सब लोग की आधी बीमारी जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं वैसे ही खत्म हो जाता है। आज भी खांसी सर्दी हो रहा है, एक दो दिन के बाद हम डॉक्टर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मरीज, बोले कोई बात नहीं, बैठी बैठी बैठ बैठ, उनके खाली दो चार शब्दों से ही हमारी आधा से ज्यादा बीमारी समाप्त हो जाती है। और डॉक्टर को कहे कहा ही गया है भगवान का दूसरा, उनकी एक मुस्कान जो है वो हम सब लोग को ठीक कर देती। मैं आपको बस अपना पर्सनल एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत बीमार था, 2012 की बात है, और मतलब अब तब की स्थिति थी, ऐसा ही कुछ परिस्थिति हुई, और यहाँ से फिर रिलायंस से पूरा वो मतलब सब लोगों ने मिलकर जहाज से मुझे भेजा, हैदराबाद में मैं एडमिट हुआ। हैदराबाद में नागेश्वर रेड्डी करके डॉक्टर हैं जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संस्थापक, उनसे मेरे भाई जो थे वो उन्होंने आग्रह किया, मेरे मतलब कजन ब्रदर, उस समय में वो एसएसपी थे एक जगह पे, तो उन्होंने फोन कर, क्योंकि उन लोग का संपर्क था, इधर रिलायंस से भी लोग कर रहे थे, अंततः उन लोग को मालूम चला कि थोड़ा थोड़ा सब को सब लोग थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे थे मेरे तरफ। तो वो जो है डॉक्टर साहब, वो इंडिया में बहुत कम रह पाते हैं, उनकी इतनी ज्यादा पूरे मतलब विश्व में उनकी जरूरत रहती, और उनके हाथों से बहुत लोग ठीक होते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट किया गया। उसी दिन वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, लेकिन वो आकर मेरे सर पर हाथ रख के बोले, यंग मैन यू विल बी वेरी फाइन, व्हेन आई विल बी बैक यू विल बी एग्जैक्टली गोइंग बैक टू। उस बीच में वो चले गए, उनका मालूम चला कि उनकी यात्रा जो 1 महीने तक की अलग अलग जगह पे, वो उनके शब्दों का प्रभाव था या जो भी बोलिए, मेरा उस 1 महीने 28 दिन के दरमियान मेरा ऊपर नीचे, बिकॉज मेरी पैनक्रियास फेल कर गई, तो ऊपर नीचे बहुत हुआ। और अंत में एक दिन एक डॉक्टर आया, तो उस एक डॉक्टर थे जो मतलब उनसे मतलब उस जगह का देखरेख करते थे, और मनु टंडन और उनके साथ में एक और डॉक्टर थे, वो इंचार्ज थे, उन्होंने आकर देखा तो उनके चेहरे की जो खुशी थी मुझे आज भी याद है, उनको लगा कि उन्होंने जैसे जंग जीत लिया हो, और बोले कि मेरी थोड़ी जो जो पेट थी वो फूली हुई थी पानी की वजह से जो भी हो, उन्होंने देखा तो मेरा पेट अंदर की ओर जा चुका था। वो बोले कि एक मेरे मदर फादर की तरफ देखा, बोले कि माता जी और आप सब लोग, भगवान का आप लोग का प्रार्थना स्वीकार हो गया, ये हमारे जो हैं साई साहब ये एकदम ठीक हो जाएंगे। और ऐसा कर वही दिन पर वो डॉक्टर भी आए और उन्होंने आकर देखा, सो यंग मैन हाउ आर यू एंड यू आर लुकिंग फाइन, ओके सो यू आर गोइंग बैक। तो डॉक्टर के बारे में मैं बताया, जीवन को जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए लगा देते हैं और पूर्ण रूप से न्योछावर रहते हैं, उनकी वो कर्म जो उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में की वो सराहनीय नहीं है।
ऐसा ज्ञान का जरूरत नहीं है। अगर हम देखिए मृतक का कारण बनने में उस ज्ञान का क्या करना, अगर कोई मृत्यु होता है तो फिर हमारे ज्ञान का वो क्या जरूरत है। हम जानकर भी अगर किसी चीज को अनजान बने, आज का समाज देखिए जो ज्ञान मिल रहा है वो वास्तव में सही है या गलत, आप बताइए। जितने भी सभी माताएं और प्रभु जी आप सब लोग हृदय पे रखे, डॉक्टर श्रीपद प्रभु तो मेरे को लिख के भेजे हुए हैं, उन्होंने कल भी हम उनके प्रश्नों का हम सब लोग चर्चा किए थे, जो लोग नहीं थे तो मेरे ख्याल से मैक्सिम तो थी आसमी माता जी नहीं थी या एक आध और हमारे डिवोटी लोग नहीं थे, कल हम लोगों ने उन्होंने कंसर्न भेजा है और सही बात है कि वो उसको एग्री करते हैं। हमारी माता जी हैं शायद प्रीति माता जी थी, उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम सब लोग मैं मतलब कि गुरुकुल में भेजने के लिए बच्चों को तैयार, हाँ महाराज, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि हम देख रहे हैं। और जो जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमारा हमारे पिता और मेरे समय और अभी के समय में मैं देखता हूँ बहुत चेंजेस आ गई। हम सब लोग अपने जीवन के वास्तविकता से इतने दूर कभी कभी चले जाते हैं कि मन घबराता है कि लेकिन हम तो अपने जनरेशन को तो कुछ दे के जाएंगे ना, तो हम क्या देखे जा रहे हैं इन बच्चों को। अच्छा एक चीज हम आपसे पूछते हैं कि और इन सब चीजों का जो है, इन सब चीजों का अगर उन्मूलन कहा जाए, हमको कभी कभी सोचते कृष्ण को, अच्छा ये ज्ञान हमें, हम सब लोगों ने तो चर्चा कर लिया कि ज्ञान के बारे में कि ज्ञान हमें किस तरीके का, तो ज्ञान वही जो हम सब लोगों को जीवन में सदाचार और कर्तव्य का बोध कराए और कर्तव्य के साथ साथ में हमको भगवान के नजदीक ले जाए। देखिए जो भगवान के प्रति भक्ति करते हैं ना वो अन्यथा, मतलब देखिए मैं व्यभिचारी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी, बहुत लोगों को हमने देखा है समाज में वो समोसा खिलाते हुए और वो मतलब वो वाला वो सब देते हुए इस तरह की बातें करते हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। शुद्ध रूप से जो भक्ति करते हैं उनका मन आप एक बार छू कर देखिए आपको समझ में आएगा, वो निश्चल है गंगा मैया के जैसा, गंगा मैया निश्चल भाव से सबके पापों को इकट्ठा करते रहती। वो बोली भगवान कृष्ण जब जा रहे तो बोले कि हम लोग को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे भक्त आएंगे ठीक है, अनर्गल लोग आएंगे, अधर्मी लोग आएंगे, सब लोग क्या है लोग क्या बोलते हैं पाप कर लेते हैं, गंगा गंगा जी में जाके स्नान करके अपने पाप को धो लेंगे, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है, आप जो करिएगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। हाँ गंगा मैया में स्नान करेंगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा जरूर, तो लेकिन ये नहीं है कि गंगा मैया में आकर आप अपने पाप को धो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये साबुन से नहीं है कि कुछ काला लग गया है शरीर में तो उसको धो दिए साबुन लगा के, नहीं ये व्यक्तिगत तौर पे ये सही नहीं। हमें ज्ञान इसलिए हम, और ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, कृष्ण भगवान कहते हैं। अच्छा ये बताइए हम सब लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जाए कि हम यहाँ पर हम सब लोग जब सुबह सुबह, बहुत लोग अपने अपने घर में फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोग घर में रहते होंगे, कुछ पेड़ पौधा लगा के रखा होगा आप सब, जरूर डॉक्टर साहब भी होंगे तो जरूर उनका हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि मेरा छोटा हॉस्पिटल है आसपास में। आप ये बताइए पेड़ को पानी हम ऐसा सूट करके देते हैं या फिर मतलब कैसा देते हैं, एकदम बंदूक लगाया एकदम वैसा दिया धड़ाक से, ऐसा तो नहीं, जड़ों में देते हैं। जड़ में देते हैं। कृष्ण हमारे जड़ हाँ है और कृष्ण के जड़ से ही हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ज्ञान रूपी कृष्ण जब जड़ में जब जल देते हैं तो हम सब लोग को भी तो उसी जड़ का ही तो हम सब लोग को पहचान करनी चाहिए ना, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे उसका पत्ता में और उसको मतलब गन के, होता है छोटा छोटा बच्चा लोग कैसे करता है, लोग खेलना होता है तो पाइप लगाएगा पानी ऊपर ऊपर की ओर आएगा, ऐसा पानी नीचे की ओर ही डालना है, जड़ में ही डालना है। एक और चीज पूछता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी पेड़ से ही जुड़ा हुआ है, आप लोग से आप लोग जब पेड़ को देखते हैं, आम का पेड़, मैं जैसे अभी मैं काकीनाड़ा में जिस जगह पे मैं हूं मेरे ऑफिस के पीछे में, और ऐसे तो मैंने जामनगर में हमारा जिस जिस प्लांट में मैं काम करता था रिलायंस रिफाइनरी का, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफाइनरी,
ऐसा तारीफ करने के लिए, बताने के लिए बोल रहा हूँ, उस जगह पे 10,000 एकड़ में प्लांट लगी थी, उसमें से 1,000 एकड़ में धीरूभाई का सपना था, जो रिलायंस के संस्थापक थे, उनका सपना था कि मैं आम का पेड़ लगाऊं, और उन्होंने केसर के पेड़ लगवाए, 1 लाख लख बगिया उसको बोला जाता था। इतनी सुंदर आम, इतनी सुंदर, और इसका जो रंग और वो मतलब खूबसूरती तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन खैर उस तो मैं उसको वो बोलते बोलते, यहाँ पे प्लांट के पीछे में बैगन पल्ली होता है, और यहाँ आंध्रा का फेमस है, उसको अगर देखेंगे तो मतलब बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतनी मिठास होती है। आम का सीजन चला गया, अभी आप लोग को मुंह में पानी आ रहा होगा। चैतन्य महाप्रभु एक बार संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, लोगों को भूख लग गई, ठीक है, प्रीति माता जी सुन रही है ना, तो आम को, तो अभी आम के बारे में चर्चा हो, तो मैं सोचा कि आप लोग को एक बता देता हूँ। तो महाप्रभु के साथ संकीर्तन गांव गांव घूम रहे थे, तो एक जगह पे आने के बाद सब लोग को बहुत जोर का भूख, मतलब भूख लग गया। तो महाप्रभु बोले कि क्या बात है, आप लोग का चेहरा उदास हो गया? तो बोले कि थक गए हैं महाप्रभु, बहुत जोर का भूख लगी है। तो महाप्रभु ने पूछा चैतन्य महाप्रभु जी कि क्या इच्छा है आप लोग को? तो अक्टूबर नवंबर का महीना था, तो उन्होंने अपने मुंह से बरबस निकल गया कि आम खाने की इच्छा है। महाप्रभु ने तुरंत बगल में से एक लकड़ी का छोटा डंडा था, उसको उन्होंने ऐसा फेंका, सामने में ही आम प्रकट हो गया, और उस आम में जैसे जैसे आम का पेड़ बढ़ रहा था आंख के सामने में, साथ साथ में आम का उसमें फल पीला पीला, मतलब आप ऐसा सोचिए, इमेजिन करिए कि जैसे कि पेड़ निकल रहा है उसमें, और इतने फल निकले कि सब लोगों ने तोड़ तोड़ कर लाए, और उस फल में, उस आम का जो जो आम था, उसमें आज भी लोग कहते हैं उसमें बीज नहीं है, वो बात भी है। नवदीप में, मायापुर में जब हम जाएंगे, नवदीप में जाएंगे, तो वो जगह पे जहां पर वो आम की बागीचा हुई थी, वो आम का पेड़ था, उसका है, वो भी वहां पे है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग अभी चर्चा कर रहे हैं पेड़ के बारे में। अच्छा, एक पेड़ है जिसमें आम लगे हुए हैं, और एक पेड़ है जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो उस दोनों पेड़ में अंतर क्या है? बहुत सीधा प्रश्न है। एक पेड़ जिसमें कोई फल नहीं, ऐसा मान, छो आम छोड़ दीजिए, एक पेड़ है जिसमें कोई फल नहीं है, एक पेड़ है जिसमें फल, जिसमें फल जिसमें सीड्स नहीं होंगी तो वो कैसे बढ़ेगा? नहीं जिसमें नहीं सीड्स होंगी वो बढ़ मैं नहीं, आप श्रुति माता ज्यादा दिमाग, मैं सिंपल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक पेड़, हाँ एक पेड़ है, मैं हम माता जी क्वेश्चन पूछ ले, कंचन माता जी आंसर देंगी। एक पेड़ है जो फल से लदा हुआ है, और एक पेड़ है जो उसमें फल नहीं। हाँ कंचन माता जी बोलिए। हाँ, जिसपे फल लगे हैं उसको उसके उसपे पत्थर भी ज्यादा फेंके जाते हैं, पत्थर क्या क्या पत्ते फेंके जाते हैं। पत्थर, अच्छा पत्थर फेंके, चल चल ठीक है, और कुछ सोचिए। जो पेड़, ठीक है चलिए मैं बता देता हूं, जो पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, और जो पेड़ में फल नहीं होते हैं वो मतलब उसमें झुकाव नहीं होता है। तो हम सब लोगों को कैसा होना चाहिए? हम सब लोगों का जो मनुष्य का जो ज्ञान प्राप्त करके, हमें उसी फल के जैसा, उस पेड़ के जैसा होना चाहिए जो फलों से लदा हुआ, जिस ज्ञान प्राप्त कर, तो इसके लिए हमारा विनम्र भाव होना चाहिए, हमको हमारा ज्ञान, हमें अहंकारी नहीं बनाना चाहिए, अभिमानी नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरीके से फिर भगवान जो है आगे बताते हैं, और उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि चार प्रश्न होंगे, और इसी 7th चैप्टर में हमने क्या कर देखा था कि पुण्य आत्मा संकृतनो अर्जुन, जो पुण्य आत्मा आता है वो पाप न करे और मेरी शरण में आते हैं। कहते हैं कि जो पुण्य आत्माएं होती है वो एक ध्यान रखते हैं कि कभी भी, और ये उनको कैसे प्राप्त होता है, ये ज्ञान के द्वारा होता है। कौन वो पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं? हरे कृष्णा, वो पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं? देखिए वो पुण्य आत्मा ज्ञान प्राप्त करके ही ना बनते, मैं तो ज्ञान के ऊपर में अभी चर्चा कर रहा हूं। जो ज्ञान हमको भगवान के बारे में बताता है, जो ज्ञान हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, जो ज्ञान हमें हर तरीके के चीजों को बताता है,
बहुत इसमें हम सब लोग को बहुत ध्यान पूर्वक इन चीजों का हमें ध्यान देना ही चाहिए। देखिए, एक चैतन्य महाप्रभु जब 1486 और 24 तो 1510 1510-11 में वो कहाँ निकले? वो निकले थे दक्षिण भारत की यात्रा। और दक्षिण भारत की जब यात्रा पे वो निकले तो उनका यात्रा करके जब वो श्रीरंगपट्टनम करके जगह है, कितने लोगों ने नाम सुना है श्रीरंगपट्टनम का? श्रीरंगपट्टनम का नाम आप लोगों ने सुना है? श्रीरंगपट्टनम में भगवान जो है वहां पर एक विशेष रूप में भगवान वहां पर है श्रीरंगपट्टनम, और उनको देखने के लिए लोग जाते हैं वहां पर। तो श्रीरंगपट्टनम महाप्रभु ने कहा है कि वो खुद ही कृष्ण है, लेकिन वो कल्याण करने के लिए ये दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की और करीब करीब 6 महीने की यात्रा करके वापस एक जगह जब श्रीरंगपट्टनम में पहुंचे तो एक ब्राह्मण को देखे गीता को लिए हुए उल्टे हाथ, मतलब जैसे कि ये गीता है, ये गीता मैंने ऐसा जैसा सीधा पकड़ा हुआ है ना, इसको ऐसा पकड़कर और वो ऐसा ऐसा देखकर रो रहा है, उसके आंख से आंसू गिर रही है। तो महाप्रभु उसके पास आकर बोलते हैं, ये ब्राह्मण देता, और आप गीता क्या बात है कि आप रो क्यों नहीं, रो क्यों रहे हैं? तो बोलते हैं कि मैं मतलब कि गीता को देखकर मुझे रोना आ रहा है, तो मेरे गुरु ने कहा है कि गीता का अध्ययन करो और मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मैं संस्कृत जानता हूं ना मुझे ज्ञान है, लेकिन ये गीता का किताब उन्होंने धरा दिया है और उन्होंने कह दिया है कि इसका अध्ययन करो। लेकिन मैं गीता खोल के देखा तो मैं तो बोले कि ठीक है, रो क्यों रहे, कोई बात नहीं, आप रो क्यों रहे? बोले कि मैं गीता खोल के देखा तो उसमें देखा चित्र में कि यहाँ पर भगवान सारथी बने हुए और अर्जुन जो है वो खड़े होके भगवान को, वो अर्जुन खड़े हैं और भगवान बैठे हुए सारथी के रूप में, मैं अपने उस भगवान को उस रूप में देखकर रो रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो ये तो बोले कि आप ही परम ज्ञानी हो जो ये जानकर कि भगवान सारथी बनकर अपने भक्त के लिए वहां पर, सारथी का मतलब आप लोग जानते हैं, हरे कृष्णा, आप सब लोग सारथी जो होता है सारथी का, ड्राइवर हाँ ठीक है, हाँ मनोज प्रभु, वो जो है वो सारथी जो है वो कैसा होता है आपको मालूम है? आप तो बता दिए प्रभु कि वो रथ वाहक है, रथ चालक होते हैं, रथ को चलाते हैं, उनको डायरेक्शन कैसे मिलता है? बहुत ध्यान से सुन गया मैंने उस चीज के बारे में, उनको ध्यान देने के लिए। अब ये बताइए, आप अगर उस रथ पे बैठे हुए हैं और रथ पे खड़े हैं, आपके सामने में रथ चलाने वाला है, आपके हाथ में शस्त्र है, तो आप रथ को राइट लेफ्ट सेंटर बैक कैसे बोलिएगा? कोई यूं नहीं तो बोल बोलिएगा, सकता, कोई नहीं बोल सकता कृष्ण। हाँ वो सारथी की वो चतुराई है, कैसे उसको बचाता है क्या? हाँ हाँ नहीं सुनिए प्रभु, मैं बता रहा हूँ, युद्ध भूमि में जहां पर 11 करोड़ अक्षयों ने कहा था कि करोड़ों की संख्या में कौरव, 7 अक्षयोनी पांडव, जहां पर कम से कम 18 करोड़ लोग एकत्र होकर युद्ध कर रहे हैं, वहां पर कोलाहल कैसी होगी, आवाज कैसी होगी, ध्वनि कैसी होगी? उसमें अर्जुन अगर भगवान श्री कृष्ण को बोलेंगे कि तुम राइट और लेफ्ट सुनाई देगी, नहीं देगी, तो क्या होता है? उसमें अर्जुन अपने जांघों से सारथी के पीठ पर कभी राइट में मारते हैं, कभी लेफ्ट में मारते हैं, कभी सेंटर में मारते हैं, राइट में मारेंगे राइट, लेफ्ट में मारेंगे लेफ्ट। वो नहीं बोल सकते हैं कृष्ण को ना कि कृष्ण कृष्ण तुम सेंटर में ले चलो, कृष्ण राइट में, वो अपने पैरों से मारते हैं, तीर चलाते, उस समय में तीर चलाना है। और ये है तरीका, भगवान अर्जुन के लात खाते हुए उस सारथी का उन्होंने, इसलिए क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि भगवान का, हम सब लोग बोलते हैं पार्था सारथी, पार्थ
अरे भगवान ने को पार्था सारथी बनकर क्या किए थे, ये आप लोग को अभी मैं बता रहा हूं। भगवान ने अर्जुन से धक्के खाए थे पीठ पे। हाँ, आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? वो ब्राह्मण देवता वही सोच रहा था, भगवान महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया। और उनको जैसे ही आलिंगन किया, महाप्रभु का प्रकाश से उनको ज्ञान जो है पूर्ण रूप से आ गया, और उसके बाद वो संस्कृत भी पढ़ने लगे। वह व्यक्ति ही ज्ञानमयी है जिसको बिना पढ़े वो ये समझ में आए कि अंततः भगवान ही सब कुछ जो है उसका उनकी माला ही पूरी बनी हुई है। हम सब लोग उसमें पीड़े हुए हैं। उस धागा जो है, उस माला का धागा कौन है? भगवान। उन्होंने करीब करीब 20 चीजों के बारे में जिक्र करते हैं, और उन्होंने बताते हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान की शक्ति प्राकट्य अनमय रूप में। और एक और चीज है जो कि थोड़ा सा समझने वाली चीज है, भगवान की शक्ति का प्रकट अनमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही, सॉरी मैं पूछा नहीं आपको, क्लियरली आवाज आ रही है? हाँ जी, अच्छा, तो भगवान अनमय रूप में, जिसका अर्थ है अस्तित्व। अच्छा, हमारे अस्तित्व के लिए क्या चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट? भोजन, अन्न के ऊपर निर्भर है ना। और ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है, ये जो पंचभूत का शरीर है उसके लिए अन्न चाहिए। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों का या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करती है। क्यों करता है? अन्न, जब कोई मनुष्य अन्न खाता है तो उसको क्यों लगता है वो परम सत्य को कैसे महसूस करता है? अन्न, अच्छा आप लोग से मैं पूछूंगा, अन्न जो है, क्योंकि हम लोग तो शहर में रहते हैं, हम लोग तो जानते नहीं है, कुछ कितने लोग गांव में गए हैं और जाकर ये राइस जो होता है कल्टीवेशन या व्हीट कल्टीवेशन, खरीफ के समय या रबी के समय कितने लोग गए हैं? जो हम सब लोग के श्रेणी में होंगे वो तो थोड़ा वो जानते हो, लेकिन आप सब लोग में से कितने लोगों ने जाकर देखा है? अगर चावल की खेती होते हुए देखेंगे तो आप सब लोग को, आप लोग दंग रह जाएंगे। हम सब लोग भगवान से, भगवान के विशेष कृपा के पात्र होने के कारण हम लोग जाते हैं दवा। अच्छा नहीं, अच्छा ये वाला, अच्छा ठीक है, ये बासमती में स्मेल नहीं है, चलो ये ओके, ये वाला इसमें स्मेल है, इसको खरीद के ले आते, ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा है मैं इसको ले आता हूँ। उस बासमती को उगाने के लिए या सोनाचूर को उगाने के लिए जो उसके पीछे की कड़ी मेहनत है, वो भगवान के द्वारा ही हम सब लोग को उपलब्ध कराया जाता है। आप सब लोग ये सोचिए, अगर हम सब लोग इतना ही सोच लें कि वो कल्टीवेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आपको मालूम, अभी मालूम होगा इंडिया ने क्या कर दिया है कि राइस जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि अपने मतलब हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए जो जरूरत है उसको पूर्ण करना है। ये समय आने वाला है, हम सब लोग आजकल सब लोग आकर माचिस के डब्बे में बैठ गए। जो लोग फ्लैट पे रहते हैं, मैं भी फ्लैट पे ही रहता हूँ, मैं भी माचिस के डब्बे में रह रहा हूँ। हम सब लोग जमीन से छूट चुके हैं, न जानते हैं कि पेड़ क्या होता है। आजकल के बच्चों को तो ये का चीज नहीं मालूम है, भिंडी क्या है, बीन्स क्या है, वो उनको उनको भेज दीजिए मार्केट में तो कुछ नहीं समझे। हम सब लोग तो फिर भी जानते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, आलू बैगन टमाटर जो भी है, लेकिन उनको तो ये भी मालूम है। और उनसे पूछा जाए कि आलू कहाँ से आता है, आलू कहाँ से आता है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि आलू जो है जमीन के नीचे में उसको गाड़ी जाती है, और उसके बाद एक आलू जो गाड़ते हैं उसी में से फिर अनेकों आलू निकल कर प्रकट होते हैं। उनको 2-3 महीने तक सीजन किया जाता है, उनके लिए क्यारी बनाई जाती है, उसमें जल से उसको सींचा जाता है, थोड़े से उसमें खाद पदार्थ दिए जाते हैं, तब जाकर वो आलू जो है प्रकट होता है। ये तो सब लोग सोचते होंगे कि कोई मशीन है आलू बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर में भी आप सब लोग को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग अपनी प्रकृति और नियम के अनुसार, हम सब लोग देख रहे हैं जो जितनी भी चीजें हो रही हैं, प्रकृति अपने नियम के अनुसार, और प्रकृति का नियम किसके लिए होता है?
परम सत्य भगवान से प्रकट हुए हुए वो प्रकृति हम सब लोगों को जीवन के रूप में परम सत्य की अनुभूति कराती है। तो पहला मैंने बताया अनमय, अनमय के बाद मैंने फिर बोला अभी आप लोग को प्राणमय, याद करिएगा ये, क्योंकि ये आप लोग लिख सकते हैं अनमय, अन से बताया अन की अस्तित्व जो भोजन है। फिर उसके बाद बताया प्राणमय, प्राणमय मतलब जो प्राण हमारे अंदर में है, मनुष्य सजीव लक्षणों को अन्न के द्वारा परम सत्य को महसूस करता है। और प्राणमय के बाद ज्ञान रूप से ज्ञानमय, ज्ञानमय से वो सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचता है। चिंतन करता है, अनुभव करता है, और आकांक्षा मतलब इच्छा, इच्छा किस चीज की, ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति, सबसे ऊपर, जिसको कि हम लोग विज्ञानमय भी बोलते हैं, विज्ञान में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला चीज अन्नमय, उसके बाद प्राणमय, उसके बाद ज्ञानमय, उसके बाद विज्ञानमय, और विज्ञानमय के बाद फिर हम सब लोग, विज्ञानमय जो होता है जीवित इकाई के दिमाग और जीवन, उनके बारे में जीवित रूप से जब हम लोग यहाँ पर प्रकट रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, उसके पश्चात हम परम अवस्था में आते हैं। जब हम भक्ति तक पहुंचते हैं तो हम परम अवस्था में आते हैं, और भक्ति आने के बाद क्या होता है, हम लोगों की यात्रा शुरू होती है अनमय से और अंततः पहुंचती है आनंदमय। अनमय और आनंदमय के बीच में हम सब लोगों ने अनमय से देखा प्राणमय, प्राणमय से देखा ज्ञानमय, ज्ञानमय से देखा विज्ञानमय, विज्ञानमय से अंत में देखा आनंदमय। तो ये ब्रह्म की पांच अवस्थाओं को हम सब लोगों ने देखा। ये बहुत जरूरी है समझना, और इसी ये प्रभाव है ये, क्योंकि ये जो चीज कृष्ण भगवान बता रहे हैं ज्ञान रूपी है। हम पंचभूत, हमारे शरीर पंचभूत, उस पंचभूत के अलावा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि मतलब जो मन बुद्धि और अहंकार, और उसके बाद हमारा 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रिया में ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, और अंततः ये सब मिलकर हमारे इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म या क्षेत्र का, और अंततः क्रियाओं मतलब तो विकार कहा जाता है। ये जो एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, पंचभूत, उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का जो 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद बताया 10-10 एलिमेंट्स है उसके उसके अलावा, तो कुल मिलाकर जो ये 24-24 एलिमेंट्स है भगवान अर्जुन को बताते हैं। उसके बाद अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का पूर्ण रूप से विनम्रता, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। विनम्रता, दम्भहीनता, असहिष्णुता, ये 5-6 श्लोकों का सम्मिश्रण करके, मतलब एक साथ करके, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, इतने श्लोकों का ये सम्मिश्रण है। विनम्रता, दमहीनता, असहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना। देखिए अगर पूछेंगे नम्रता का मतलब क्या है, एक एक करके हम सब लोग थोड़ा सा इसको ध्यान, क्योंकि भक्ति में इन शब्दों का बहुत माने रखता है, भगवान खुद कह रहे हैं। नम्रता का मतलब होता है सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। हम सब लोग, कितने सारे लोग हैं, हमको जो है सम्मान कोई नहीं देता है, तो हम बोलते हैं अरे यार वहां पे गए थे, हमको कोई पूछता ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं। ये ऐसा नहीं, नम्रता का भाव होना चाहिए, सम्मान के लिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है। फिर शिष्टता, समझना कि शरीर नहीं है, इस प्रकार सम्मान और अनादर, हमें अगर कोई अनादर करता है और सम्मान करता है तो एक ही है भक्त के लिए जो शिष्ट होते हैं। और अहिंसा, जब तक कोई लोग आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता है तब तक वो हिंसा का अभ्यास करता रहता है। हिंसक रूप में क्यों आते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हिंसा हम क्यों करते हैं, हरे कृष्ण, हम लोग हिंसा क्यों करते हैं, तब तक करते हैं जब तक हम शरीर, हम अपने आप को आत्मा आत्मा रूपी नहीं पहचानते। फिर सहनशीलता, जिसको शांति बोलते हैं, दूसरों का अपमान अपमान सहने का अभ्यास जो लोग कर सकते हैं। सादगी, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। स्वच्छता, स्थिरता,
आत्मसंयम, इंद्रिय वस्तु का त्याग, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, बुराई बुराई की धारणा, मतलब कि इन सब चीजों से अनासक्ति, पत्नी बच्चे परिवार आदि के साथ में, मतलब उनके साथ में एक पारंपरिक रूप से भक्तिमय जीवन को जीवित करना, एक ध्यान रख करके भगवान को हम सब लोग, हम सभी लोग, हमारा कर्तव्य क्या है? मैं अपने पूरे परिवार को कृष्णमय बनाऊं, ये भी मेरा एक कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए हमें वो ज्ञान देना है। तो इसलिए हम सब लोग को ध्यान रखना है कि भगवान जो हम सब लोग को इस ज्ञान रूपी चक्षु, हमारी जो चक्षु है उनके द्वारा ज्ञान रूपी चीज को जब अर्जुन के द्वारा बताते हैं, तो ये सब हमारे किस चीज के लिए बताते हैं, किस चीज के लिए बताते हैं? अच्छा, हम सब लोग अभी जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था ना, क्या 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 किस किस चीज, 6 से 6 प्रश्न थे, उसमें से हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पढ़ा, ठीक है, और अभी जो मैं बोल रहा था वो किस चीज पे बोल रहा था, अरे ज्ञान ज्ञान प्रभु जी। के बारे में, तो 6 चीज क्या क्या था बताइए, आप लोग थोड़ा सा लिखे होंगे ना आप सब लोग, 6 चीज होता ना, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। अब हम सब लोग ज्ञेय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम सब लोग ज्ञेय के बारे में, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कितने होते हैं, आत्मा और दो, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा, और ज्ञान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, दो बातें, दो दो सबसे, मैंने आप लोग को बहुत सारा चीज बताया लेकिन उसमें से दो अगर आप लोग सुने होंगे ना कि अच्छे से, मतलब प्रभु जी बता रहे थे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज अगर मैं पूछूं तो क्या है, तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसको आप लोग लिख सकते हैं, प्रमाणिक गुरु, बताया गया ना, प्रमाणिक गुरु का शरण लेना, उनके प्रति निरंतर अनन्य भक्ति करते, भगवान की भक्ति करना है तो हमें अपने गुरु का शरण तो लेना पड़ेगा, गुरु का जब आश्रय लेंगे तो गुरु हमें ज्ञान देंगे, और गुरु ज्ञान देंगे तो हमारी चक्षु खुलेगी, और चक्षु खुलेगी तो हम फिर गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु का आदेश का पालन करेंगे तो हम भगवान की भक्ति में हम हमारी जो प्रोग्रेस होगा वो होगा। कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके सारे गुण का संचार, आप लोग, अब मैं, अब आप पूछेंगे कि प्रभु जी आप ये दो ही गुण काहे बोले कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कि अगर ये दो गुण हो जाएंगे, अगर ये दो गुण होंगे तो बाकी सब गुण का संचार हो जाएगा, होगा कि नहीं, अगर आप भक्त बने, सिंपल, मैं कुछ और नहीं बोला, आपका विनम्रता आ जाएगा 100%, हमारा जो बिहेवियर है, अगर मैं अपने आप को आज से 10-12 साल या 14-15 साल पहले की देखो और अभी में बहुत अंतर, हमारे हमारे खान पान से लेकर, व्यवहार से लेकर, और सोच विचार सब चीज में अंतर, हम तो बचपन से हमें कुछ सिखाया गया लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि हमारे अंदर में बदलाव हो गया, सबसे बड़ा बात है कि हमें गुरु का आश्रय मिला, गुरु ने हमें दीक्षा दी, नाम दीक्षा दी, गुरु ने हमें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाया कि भगवान की भक्ति करनी है, उनको भक्ति करने के लिए उन्होंने बताया कि क्या क्या उपाय करना है, वो उपाय क्या है, बहुत सिंपल है, ABCD, और 4 व्यभिचारों को नहीं करना, तो हमने उसको फॉलो किया। वो मुझे लगता है कि 13-14 साल, 14-15 साल की उम्र से हमें सुबह में ठंड, हम लोग जहाँ पे रहते थे तो थोड़े ठंड के समय में एग्जामिनेशन होता था तो चाय पीने की आदत पड़ी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, और आज मैं आप लोग को ही बता रहा कि इसका प्रभाव कैसे होता है, जब आपको सही रास्ता मिलता है, ये एक दिन सुबह उठा, अपनी पत्नी को बोला कि मेरे लिए चाय मत बना, वो अचानक से देख, क्या हो गया, मैं बोला चाय नहीं पी, आज कितने साल हो गए,
चाय कॉफी ये वो दाएं बाएं कुछ नहीं। हाँ भगवान के यहाँ पर अगर वहां पर मिल्क शेक बनता हो या कोई भी हो, बाहर में कुछ नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं। अरे लोग तो बहुत सारा आजकल क्या बोलते हैं वो फज बोलते हैं, कुछ आइसक्रीम डाल देते, कुछ कुछ ले प्रभु जी ये लीजिए, हम बोले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भगवान को अगर आप अर्पित करके लाए होते तो मैं ले लेता, लेकिन क्योंकि आपने अर्पित नहीं की है, आपका श्रद्धा के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके भाव को मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर ग्रहण करता हूँ तो मेरे कृष्ण से मैं चोरी कर रहा हूँ, उनका चीज को मैं बिना उनको पिलाए हुए मैं कैसे करूँ। तो ठीक है, तो दो चीज, दो ये गुण है, गुरु का शरण लेना, और क्या बताया मैंने, भक्ति, निरंतर भक्ति के प्रति हमारा प्रगाढ़ जो मतलब श्रद्धा है वो बढ़ता है। दो ये चीज हमको याद रखना चाहिए, बाकी सब चीज तो अपने आप आ जाएगा। अब आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में कृष्ण कहते हैं ये अनादि है, और ये 13वां श्लोक में आप लोग देख सकते हैं। आज थोड़ा 10 मिनट आप लोग का और समय लूंगा, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ रहा था तो मैं बहुत सारी चीजों को सोच रहा था, इसलिए थोड़ा आप लोग का समय अगर मतलब आप लोग से क्षमा मांगते हुए। तो आत्मा के बारे में अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा और है, 2-10 मिनट में मैं इसको समापन कर दूंगा। आत्मा अनादि है और मेरे अधीन है, और ये आत्मा के बारे में क्या था, ना जायते म्रियते न विपश्चिता करो, ये कठोपनिषद में क्या बोला गया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिता, शरीर का ज्ञाता आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है, म्रियते ज्ञायते, ज्ञायते मतलब उसका कभी जन्म नहीं होता, और वो ज्ञान से पूर्ण है, ये आत्मा प्रकृति के गुणों के स्वभाव को, ये आत्मा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है, दासो भूतो हरिवा नानस शिव कदाचन, जीव आत्मा हमेशा भगवान की सेवा में रहता है। क्या बोला था मैंने, आप सब लोग को सिखाया है एक सेंटेंस, मुझे लगता है 18 दिन में कम से कम ये तो सिखा ही दिया है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये याद रखिएगा। मैंने आप लोग को और भी सिखा दिया है, कृष्ण भक्त है बिंदास, आगे बाकी सब है उदास, क्योंकि हाँ सब है माया के दास। के हाँ, तो परमात्मा जो है ओमनी पाचा, अब परमात्मा के बारे में बताया कि ओमनी पोटेंट है, और वो कभी भी मतलब उनका उनका अच्छा ओमनीपोटेंट क्या, भगवान तो अपने उनका जो प्रेजेंस का है हर जगह, सर बोलते हैं भगवान मैं सब जगह व्याप्त हूँ, ये 14वां श्लोक में दिया हुआ, परमात्मा सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है, और ये 13.15 में भगवान बताते हैं, कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान का लक्ष्य भी, हम सब लोग तो अभी पढ़े हैं ना ज्ञान, ज्ञान का हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान ही है, भक्ति किसके लिए कर, हम ज्ञान प्राप्त किस लिए कर, भक्ति के लिए, हम गुरु के पास क्यों जा रहे हैं, ज्ञान भगवान के लिए है, गुरु हमें भगवान का पूरा सर्किल ऐसे मिल जाता है, आप गुरु के पास जाएंगे क्या प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करें, किसके लिए प्राप्त करेंगे, भगवान के लिए, भगवान के लिए क्यों करेंगे, भक्ति करने के लिए, तो ज्ञान ज्ञेय और ये सब चीज जो है परम परमात्मा स्वरूप से ही जुड़ा हुआ है। फिर अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण इस परमात्मा या भगवान को मैं कैसे जान सकता हूँ, तो कृष्ण कहते हैं अगर भगवान के बारे में जानना है तो भक्तों का संग करो, सोल्यूशन भक्तों का संग करो, वही आपके पूर्ण आपको पूर्ण ज्ञान देंगे, अपनी बुद्धि और विवेक से हमें कुछ प्राप्त नहीं हो, अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाना है, जो वो बताते हैं जो संग, जब हम संग करते हैं तो अपना बुद्धि विवेक उतना ही लगाना है जिससे कि आप उनका शरणागति ले सकें, शरणागति कहने का मतलब यह है कि जब हम जाएं तो उनके साथ सम्मिश्रित होकर, और जो हमारा भाव होना चाहिए वो समर्पण का होना चाहिए, सीखने का भाव होना चाहिए। अब कृष्ण अंतिम दो चीज पुरुष और प्रकृति का चर्चा करेंगे, उसमें दो चीज में वो क्या श्लोक में दिए है, सभी 5 प्रश्नों के द्वारा हम समझेंगे हु इज द एंजॉयर, और हु इज द एंजॉयर तो उसके बारे में भगवान कहते हैं क्या बोलते हैं, आप सब लोग आप ही लोग से पूछता हूँ, ये कृष्ण अर्जुन आपसे, हु इज द एंजॉयर,
कृष्ण भगवान। हाँ, भोक्ता राम यह तपसा सब लोका महेश्वरम। भगवान कहते ना भोक्ता मैं हूं। देखिए हम सब लोग जब प्रयास करते हैं तो हम लोगों को दो कठिनाई आती है। एक तो क्या होता है कि कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? हम सब लोगों के मन में परस्पर बचपन से ही ये हम सब फर्स्ट करना है ना। हम माता पिता जी हमारे, मुझे बचपन में याद है कि अगर गलती से भी मेरा एक दो मार्क्स कट गया और उसके बाद अगर रैंक जो है वो सेकंड आ गया तो रिपोर्ट लेके घर में आने, बस से उतरकर और घर तक आने के लिए लगता था कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ रहे। बड़ी मुश्किल से अपना रिजल्ट दिखाना पड़ता था। लेकिन माता जी तो थोड़ा क्या था ना कि वो थोड़ा विलक्षण बुद्धि की, तो वो तो सबसे पहले डांट खाता था। लेकिन पिताजी से डांटने का था, बोले ठीक है अगली बार प्रयास करना। तो ऐसे कुछ क्षण होते थे, तो ठीक है कभी गलती से कुछ हो गई। तो हम सब लोग के अंदर में ये कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट है, रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्सेस की कमी है। और दूसरा है कि सेंस सेटिस्फेक्शन, इंद्र तृप्ति हमारी हमेशा हमारे बीच में आती है। कितने आप सब लोग आप लोग बताइए, आप लोग के मन में मैं आप लोग से पूछता हूँ, कितने लोग हैं जिनको इंद्र तृप्ति करने का मन नहीं होता है? इंद्र तृप्ति किसी भाव में भी हो सकता है। कोई अच्छा चीज दिखा वो मेरे मेरे मन के मन लायक है, नहीं उसको ले लेते। हम सब लोगों के मन में ऐसी इच्छा होती है क्योंकि हम सब लोग त्रिगुण के प्रभाव में, प्रकृति के त्रिगुण के प्रभाव में पड़े हुए हैं। हम इस प्रकृति की को भोगने का प्रयास करते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं सोचा सही बात है, ये प्रकृति का प्रभाव कितना जटिल है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब कि एक सेकंड के अंदर में हमारा दिमाग बदल जाता है। नेहा, अभी आपके पास, आप सब लोग के पास, माता जी ने बताया कि भाई मैं मेरे पास आईफोन, मतलब अभी कौन सा नया वाला कौन सा है? फोर्टीन अच्छा, देखिए श्रुति माता जी ने फटाक से बता दी। बस मैं जानता था कि आप ही बताएंगे। मेरे पास तो वो जैसे छोटा सा एक मोबाइल है जिसमें बस इतना ही है कि हम मैसेज उसे पढ़ लेते हैं और कुछ जो है आदान प्रदान हो जाता है आईफोन। अब मालूम चला माता जी के पास, श्रुति माता जी के पास i10 था और आसिमा माता जी ने i14 लिया है और उन्होंने बता दी कि मैं i14 लाई, बस हो गया। उसी समय में वो श्रुति माता जी घर में जाकर बोली कि मुझे तो i14 चाहिए। ये हमारी, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आजकल का लोगों के में पैसे की कमी। लोग बोलता है गरीब, काहे का गरीबी भाई। मैं गया एक दिन वो सब्जी खरीदने के लिए, हमारा रिलायंस का जो मॉल है वो मॉल में हमारा आउटलेट है, तो वो आउटलेट में जनरली मैं ऐसे समय में जाता हूँ जब थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती हो। वो कोरोना के समय से हम लोग का ऐसा हो गया आदत, और वहां जाने से क्या है कि अपने लोग रहते हैं तो थोड़ा सा वो मतलब तो सहायता कर देते हैं। वहां गया तो मैं पागल हो गया, इतना लोग। मालूम चला कि वो मॉल का ओपनिंग, मान लिया ओपनिंग 10 साल पहले हुआ होगा या 6 साल पहले हुआ, तो उस दिन एनिवर्सरी मना रहे हैं। और एनिवर्सरी में क्या था, ये जो बोतल है ना, ऐसा बोतल, ये एक बोतल, ये गिफ्ट रैप करके सब लोग को दिया जा रहा था। उसको लेने के लिए मार, ऐसी मार, मतलब कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। अरे यार वो 10 रुपया 20 रुपया का बोतल बहुत होगा तो 30 रुपया का बोतल होगा, लेकिन वो 30 रुपया का बोतल लेने के लिए 50,000 आदमी एक साथ मॉल में घुसे हुए। गजब, मतलब गजब परिस्थिति है। मैं बोला कि कहाँ मैं चला आया, कौन सा जगह? तो हमारा वो स्टोर वाला बोला कि सर 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 प्लीज आप पीछे से आएंगे। वो मुझे पीछे से रास्ते से अंदर लेके आए। मैं अपना पसीना पसीना मैं आया अंदर में, तो थोड़ा एसी उसी चल रहा था। मैं बोला भाई पहले बैठाओ मेरे को पानी पीने दो। इतना कष्ट, घुसना ही मुश्किल हो गया। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सही माने में भोक्ता भगवान है और इस प्रकृति और जीव के मालिक भी हैं। भगवान का हम सब लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अभी एक भोक्ता के ऊपर मैं एक एक स्टोरी सुनाऊं, तो स्टोरी नहीं मतलब रियल रियल है। महाभारत में दुर्योधन तो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था कि नहीं? दुर्योधन नाम। अच्छा, आप सब लोगों ने कभी सुना है किसी माता पिता ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा है?
है? नहीं, नहीं सुना। मैंने काकीनाडा में दुर्योधन मिला मुझे। हम बोले अरे, बोलता है कि मैं पूछा ना तुम्हारा नाम क्या है, पढ़ के मतलब पहली बार आया, तू बोला दुर्योधन। हम बोले किसने रखा है? बोले मेरे माता पिता ने रखा है। हम बोले हे भगवान, तो माता पिता ने क्या सोच कर दुर्योधन रखा? आदमी बहुत अच्छा है काम करने में, बहुत ही, मैं देखा मतलब मन से मैं बोल रहा हूँ, उनको देख कर आनंद आया, लेकिन उसके चेहरे की भाव देखने वाली। हम बोले अच्छा, ये दुर्योधन दुष्ट ने क्या किया कि 13 साल का जो 13 साल का वनवास था, उसमें 12 साल का जो ज्ञातवास था, उसने दुर्वासा ऋषि को उसके 10,000 अनुनाई के साथ में, भक्तों के साथ में भेज दिया। कहाँ पर वो क्या वन का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां भेज दिया। अब वहां पर युधिष्ठिर महाराज से जैसे, अच्छा दुर्वासा ऋषि के बारे में मैंने आप लोग पहले भी बताया है, तो तुरंत उनको गुस्सा आता है, कुछ बोला अगर नहीं पूर्ण हुआ उसी समय में श्राप दे देते हैं। तो जानबूझकर दुर्योधन ने भेजा कि दुर्वासा ऋषि और 10,000 लोग, उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर महाराज के पास जाके आप आतिथ्य का स्वीकार करिएगा। आतिथ्य स्वीकार करिएगा मतलब कि युधिष्ठिर महाराज को बोलेगा कि हमारे लिए खाने का व्यवस्था करो। अब बताइए, बेचारे जंगल में श्वेत वस्त्र धारण करके इधर से उधर भटक रहे हैं, बड़ा मुश्किल से भीम का थाली और बाकी 4 भाई का थाली, मतलब एक तरफ में भीम उतना खाते थे जितना 4 भाई का, और द्रौपदी को भी मिला लीजिए, उनको भी, द्रौपदी माता को भी मिला लीजिए, 5 आदमी का भोजन एक जैसा और भीम का, भीम को बेचारा का पेट ही नहीं भरता, कष्ट में थे सब लोग। पहुंच गए तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप एक काम करिए, आप स्नान उत्तान, आप सब लोग थक हारे हैं, आप लोग जाइए स्नान करके आइए। अब युधिष्ठिर महाराज अंदर गए, भीम को बोले, भीम तो अपना गदा लेके भाजने लगे, वो बोले कि जरूर दुष्ट दुर्योधन का काम है। ठीक है, अब युधिष्ठिर महाराज बोले कि भीम शांत शांत शांत, तुम बोले कि अब प्रॉब्लम क्या था कि द्रौपदी मैया को अक्षय पात्र मिला हुआ था, अन्नपूर्णा ने उन्हें दी थी, कि जब तक वो खाना उसमें से जो पात्र है उससे खाना, कुछ भी खाना बनेगा, लेकिन अगर द्रौपदी खा ली तो फिर उसके बाद उसे कुछ और नहीं प्रकट होगा। उस दिन का भोजन जो है भीम को बहुत उतावले थे, उन्होंने पहले ही हल्ला गुल्ला करके उन्होंने भोजन वोजन सब समाप्त करा दिया। बाद में द्रौपदी जो है सबको अपने खिलाने के बाद द्रौपदी भी खा ली। अब जो है ये परिस्थिति, अब युधिष्ठिर महाराज अंदर गए, अब द्रौपदी अपना सर पकड़ ली, बोले हे माधव अब मैं क्या करूं। जैसे ही बोली हे माधव तो कृष्ण वहां पर बड़ी दूर, वैसे बोले कि पीछे मतलब वो तो ऐसा नहीं, वो काफी दूर, कहाँ द्वारका, कहाँ पर ये कुरुक्षेत्र की है, अगर अभी भी आप लोग देख लेंगे द्वारका और यूपी तो बहुत लंबा डिस्टेंस है ना, ट्रेन से भी अगर आदमी या फ्लाइट से भी आए तो भी समय लगे। भगवान प्रकट हो गए पीछे से, तो द्रौपदी देखी तो हतप्रभ, अरे माधव आप कैसे आ गए? तो माधव बोले कि बस तुमने पुकारा तो हम चले आए। बोले मैं कब पुकारी? तो बोले अभी तो पुकारा तुमने। अभी तो बेचारे कुछ भी हो तो भगवान की, भगवान भी उनको अपने सखी के रूप में ही मानते, तो उन्होंने ठीक है बोले कि अगर तुम पुकारोगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो बोले कि मुझे भगवान बोले कि मेरे बहुत, मैं दूर से आया हूँ ना, काफी दूर, डिस्टेंस बहुत लंबा था, मुझे भूख लगा हुआ है। बोले कि हे माधव क्षमा करिएगा, हम तो मैंने तो भोजन सब समाप्त कर दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, जाओ उस बर्तन में, थाली में, कहीं पे भी, मटका में, कुछ भी हो, एक तो कुछ तो होगा। ये बोली कि कुछ भी नहीं है, बोले तुम जाओ। तो गई तो उन्होंने देखा एक जगह पे एक चावल का दाना वो स्टिक किया, मतलब सटा हुआ था, और इनको ध्यान नहीं था, इन्होंने शायद सफाई उफाई नहीं की होंगी या ठीक से नहीं की होंगी। तो वो दाना जब देखी तो इनका मन बोले कि उनको निकाल लिया, वो माधव ने कहा था वो लाए, तो उन्होंने कृष्ण को दिया, तो रोने लगी। तो भगवान कृष्ण ने जो बोला अरे जल्दी से दो, उन्होंने उठाया मुंह में डाला, तो उन्होंने द्रौपदी को कहा वो क्यों रही? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ये मैसेज जो है अभी बोले कि इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है वो दुर्वासा ऋषि लोग आने, तो बोले ये आपको कैसे मालूम? बोले उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है, युधिष्ठिर महाराज को कहे कि जाइए भीम भीम भाई को, मतलब भीम भी उनसे बड़े थे उम्र में,
कहने का मतलब जब हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज और भीम दोनों पढ़े, तो उन्होंने कहा था कि भीम भैया आप जाइए उनको बुला के लाइए। भीम गए, वो गदा लेके गए हंसते हुए, बोले कि आप सब लोग चलिए भोजन के लिए, भोजन तैयार है। जैसे उन लोग निकला लगा कि जल में तो इतने हल्के थे, जल के बाहर आए तो लगा कि अब यहीं से बाहर निकल जाएगा, इतना लगा खाना खा चुके। वो धाए धाए, अब वो जो जो उनका 10 10 हजार शिष्य था वो घूम के देखे कि तुम लोग की परिस्थिति कैसा है, तो बोले कि पेट दर्द कर रहा है, इतना खाए हैं लगता है कि इतना ज्यादा खा लिए कि पेट ही दर्द कर रहा है। तो बोले यहाँ सामने में भीम है, बोला अगर नहीं माने तो मार मार के हम लोग का कचूमर निकाल देगा, मुझे तो फिर भी छोड़ देगा, तुम लोग सोच लो। तो बोला कि क्या करें गुरुवर, बोले भाग जा, 10 को 10 हजार को भगा दिए। और ये किसी तरीके से अपना कपड़ा उपड़ा बांध बूंद के पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज के पास, भीम जो है अपना गदा के साथ पहुंचे लेके कि हाँ आगे। बोले कि आपके शिष्य, तो बोले वो लोग आएगा आएगा बाद में आएगा। बोले चलो भीम, बोले ठीक है चलिए गुरुदेव, पहुंच गए। और युधिष्ठिर महाराज से बोलते, बोले कि युधिष्ठिर, बोले कि ना कुछ नहीं, खाने की हमारी कोई इच्छा नहीं। अब इतने में उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए आपके घर में कोई आया था क्या? तो बोले कि नहीं कोई तो नहीं आया था। इतने में द्रौपदी के साथ, बोले कि नहीं कोई ना कोई तो आया है यहाँ। तो द्रौपदी के साथ इतने में कृष्ण भगवान बाहर निकलते हैं, बोलते हैं गुरुदेव। वो कृष्ण भगवान उनको प्रणाम करते हैं, बोले मुझे मालूम था, मुझे पक्का मालूम था यहाँ पर कोई ना कोई तो आया है और ये माधव ही आया। और वो बोले कि अंत लगता है कि ऐसी तृप्ति तो मुझे कभी भी कोई और खाने में हुई नहीं थी, मात्र एक चावल का दाना से भगवान ने मतलब तृप्त कर दिया उन लोगों को। तो अच्छे लोगों के साथ में एक प्रश्न, अच्छा मैं एक और प्रश्न आता है, बहुत बार लोग पूछते हैं अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। सिंपल उसका आंसर है, सिंपल आंसर है वो प्रश्न, बहुत बार लोग कहते हैं जो भी होता है वो जीवन में अपने कर्म का फल होता है। आप नहीं जानते हैं, आपने बोला कि किसने देखा है, तो नहीं देखा है तो क्या कर, नहीं देखा है, आपने नहीं देखे है, भगवान को सब मालूम है, नियंत्रण को मालूम, प्रकृति को मालूम है, आपने कब क्या क्या किया वो सब मालूम है। इसलिए अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, उसका एक ही जवाब है, हम सब लोगों ने अपने कर्मों का प्रभाव से उस चीज को, हम लोग हो सकता है बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन ये जो लोग होते जो भक्ति कर नहीं करते उनका ये प्रश्न होता है। जो भक्त होते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं, उनको मालूम, उनको 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 क्या मालूम है कि मेरे ही कर्म का प्रभाव है और कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण को मालूम है, कृष्ण को हम सब लोग अपना जीवन कृष्ण को दे देते हैं कि कृष्ण तुम देखो अब मुझे क्या भोगना है, वो तुम डिसाइड करो, ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलेंगे तो आपने तो कृष्ण की शरणागति ले ली, हाँ कृष्ण की शरणागति तो ले ली, कृष्ण भी तो चाहते हैं ना कि मुझे उस भगवत धाम भेजने से पहले पूर्ण रूप से मेरा सब कुछ मूल रूप से, मूल मतलब जड़ से समाप्त कर दे। इसलिए हमारी जो है हाथ कटना था तो थोड़ा चोट लग गया हाथ में, थोड़ा मतलब भगवान इतना तो कम कर देते हैं कि कुछ कुछ भयंकर घटना होनी थी वो छोटा सा उसको स्वरूप देकर उसको साफ कर देते हैं, तो सब कुछ अच्छा। एक और श्लोक है जो श्लोक आधार बनता है, वो 23वां श्लोक है, आप सब लोग नेक्स्ट जब चैप्टर में पढ़ूंगा 14 चैप्टर में, तो उसका बेसिस है और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उसका भी हम लोग कल कल हम लोग जब उसका अध्ययन करेंगे। एक और अनेकों अनेक क्वेश्चन, जो ये सब क्वेश्चन चल रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति इस ज्ञान को कैसे, अर्जुन पूछते कैसे प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने कहा, हम सब लोगों ने इसके पहले कहा, मैं आप ही से प्रश्न कर लेता हूँ, ये साधारण व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। मैंने 20 चीजों में दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई, प्रामाणिक गुरु से हाँ बस बस माता जी एकदम सीख गए आप, प्रमाणिक गुरु के शरण में जाने से, और उसको ज्ञान को, जो दिव्य ज्ञान जो है वो गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वो दिव्य गुरु हमें भक्ति के मार्ग पे प्रशस्त कर देते हैं, और हमारी शुद्धि, जैसे ये ज्ञान प्राप्त होगा फिर क्या होगा, आप लोग 18 दिन, आप लोग सॉरी अभी 18 दिन, 13 दिन पहले, आज को लेकर 13 दिन पहले यात्रा शुरू हुई, आपकी शुद्धि उसी दिन से शुरू। मैं आपको, मैं बहुत छोटा सा, मेरे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी है सिर्फ आपसे इतना ही बोला कि जिस दिन से, ऐसे आप लोग सबको ही
सब लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग शुद्ध नहीं थे, मेरा भाव है, मैं ये कह रहा हूं, गीता को जैसे ही आपने सोचा अपने जीवन में प्रकट करने के लिए, उसी समय में आपका जीवन का मूलतः बहुत सारी चीजें समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई? आपकी जिज्ञासा, आपकी मनोदशा, और आप जैसे जैसे गीता का अध्ययन कर रहे हैं वैसे वैसे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ गई, और श्रद्धा बढ़ती है तो अंत में हम श्री कृष्ण कहे ना, अनेकों अनेक मनुष्यों सहस्त्र येषु, मतलब कि लाखों करोड़ों में जाकर एक कृष्ण भक्त होता है, गिन के। अब तो खैर आप सब लोग जाएंगे तो दुनिया में श्री प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि उन्होंने जगह जगह पर उन्होंने सेंटर खोल दिया, और आपको कृष्ण भक्त मिलेंगे, अच्छा हमारे जैसा टीका लगाए हुए, छोटे बाल रखकर और टिकी रखकर, कोई श्वेत वस्त्र धारण किया है, कोई सैफरन ड्रेस धारण किया है, काशाय ड्रेस, और जो है अपना जीवन को, और इधर उधर हरे कृष्ण महामंत्र को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो ये ज्ञान अभी ये 25th और 26th श्लोक, मैं श्लोक नंबर बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर जो था बड़ा क्रूशियल था, तो इसलिए मैं ज्यादा श्लोक को नहीं पढ़कर मैं सिर्फ आप लोग को उसका इम्पोर्टेंस जो है चीज है वो बता रहा हूँ। और फिर 27वें से लेकर 35 जो लास्ट का है इस श्लोक, जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वह इस समाज को किस प्रकार से देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ज्ञान जानता है वो समाज को किस प्रकार से देखता है? पहली, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर अलग है कि नहीं? आत्मा और शरीर धारण, आत्मा ही तो शरीर को धारण करता है। दूसरा, सब कुछ किसके कारण होता है? आत्मा के कारण होता है। तीसरा, जो भी कर्म हो रहा है वो शरीर के का, अभी अभी उल्टा आ गया, सब कुछ तो हो रहा है, अभी मैं दूसरा बोला कि सब कुछ आत्मा के कारण हो रहा है, लेकिन जो भी कर्म हो रहा है वो शरीर के कारण हो रहा है। बहुत दोनों चीज में थोड़ा फर्क है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसलिए आप लोग को पहले बोल रहा था कि ध्यान पूर्वक सुनना है कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ आत्मा के कारण हो रहा है। यहाँ आए हम, मैं क्या बोला था आप लोग को, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, ये जो भौतिक जगत में हम लोग क्यों आए, मैंने बोला ना हम लोग भोगना चाहते थे। हम लोग भोक्ता कौन है? अभी हम लोग कुछ देर पहले, भोक्ता कौन है? भोक्ता, भोक्ता, हु इज भोक्ता, एंजॉय, हु इज द एंजॉयर? कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान। भगवान कृष्ण। भाई रट लीजिए, परमात्मा ही भोक्ता है। मैंने कहा था, बताया भी था ना कि भगवान कहते हैं कि मैं ही भोक्ता हूं, सर्वलोका महेश्वर महेश्वरम, क्या वो एंजॉयर? हु इज द एंजॉयर? याद रखिए, हु इज द एंजॉयर? भगवान कृष्ण योक्ता भगवान राम यम तपसाम सर्वलोका महेश्वर, हम सब लोगों को याद रख, ये याद करना है। तो लेकिन हम सब लोगों ने सोचा कि हम, मैं भगवान के जगह पे मैं भोक्ता बन जाता हूं, बस हुआ। जैसे ये मन में भाव प्रकट हुआ, सटाक से सीधा सीधा कहां, गोलोक वृंदावन से सीधे पहुंच गए भूलोक, भूलोक में मरुभूमि में आकर फंस गए। तो ये हुआ हमारे आत्मा के कारण। अब हुआ तीसरा जो है, और आत्मा क्या हुआ, जब यहाँ आए तो आप भोक्ता चाहते हैं ना, तो भोक्ता को भोगने के लिए क्या करेगा, 84 लाख योनि में से एक एक तो शरीर प्राप्त करेगा ना, तो और वो शरीर जब प्राप्त करेगा तो त्रिगुण का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप वो भोक्ता होंगे, तो वो किसके लिए, तो शरीर के कारण। इसलिए मैं तो जो कर्म कर रहे हैं वो शरीर के कारण, क्योंकि उस आत्मा ने उस शरीर को धारण कर लिया। अब जब आत्मा ने शरीर को धारण कर लिया तो शरीर जो है किस किस प्रभाव में है, फिर से मैं बता रहा हूं, शरीर किस प्रभाव, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई आपसे, शरीर त्रिगुण के प्रभाव में, और जब त्रिगुण के प्रभाव में रहेगा तो तामसिक रासिक और सतो गुणों, तो ये प्रवृत्ति हमारी, हम शरीर से ही प्रकट करते हैं ना, समझ में आया कि नहीं? नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बोलूंगा, हमने आत्मा ने शरीर धारण किया उसका, क्योंकि उसने सोचा कि मैं भोगता हूं,
लेकिन शरीर धारण करने के बाद उसका क्या हुआ, प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव पड़ा। और जब प्रकृति प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव पड़ा तो हम सब लोगों को ये जो शरीर मिला, इस शरीर के साथ साथ में हमारी इंद्रियां हैं। मैंने कहा था ना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि अहंकार, स्थूल शरीर के साथ में वो भी तो आता है ना। वो जो है मन में, हमारी इच्छाएं कहाँ पे होती हैं? मन में होती है। तो मन में जब होती है तो वो तो भी हमारा स्थूल शरीर है ना, सॉरी सूक्ष्म शरीर है ना। तो इसीलिए शरीर की बात करते हैं, शरीर ही जो भी कर्म हो रहा है वो शरीर के कारण है। जीव इच्छा पर, अब जैसे हम सब लोग जितना भी अरेंजमेंट है, अच्छा अब ये समझने की चीज है, अब साइकिल समझ लीजिए। साइकिल समझना है, जीव ने इच्छा किया, परमात्मा ने उसे भेज दिया, और परमात्मा जब है परमिशन देती है प्रकृति को, प्रकृति फिर क्या करती है, वो अरेंजमेंट करती है किसके लिए, उस आत्मा के एंजॉय करने के लिए। फिर उसको शरीर मिलता है, और वो शरीर मिलता है तो अनेकों प्रकार के, वो अनेकों प्रकार के कर्म करता है, और कर्म जो होता है वो शरीर का प्रवास होता है। अब तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं ना कि हम आए थे आत्मा के कारण, आत्मा ने वहां पर इच्छा जाहिर की, यहाँ पर आए तो उस आत्मा को भगवान ने प्रकृति के द्वारा अरेंजमेंट करा दिया कि जाओ तुमको ये शरीर मिला। और वो शरीर लेने के बाद त्रिगुण का प्रभाव पड़ गया। त्रिगुण का मतलब कहने का था ही प्रभाव, उसके अंदर में हमारी इच्छाएं जागृत हुई। वो इच्छा कहाँ से जागृत हुई? मन से। और हमारे अंदर में पहले से ही अहम फॉल्स ईगो पहले से ही रहता है, और वो जो होता है हमको बार बार ऐसा इशारा करते रहता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जान गया कि मैं किराए के घर में रह रहा हूं, इस किराए के घर को अपना मानकर हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपना स्वधर्म, नित्य धर्म या सनातन धर्म जो भी है, योग को पालन करते हुए पूर्ण आनंद को भगवान की भक्ति करके प्राप्त करना चाहिए। हम जिस आनंद की खोज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है, भगवान की भक्ति करके। और मैं यहाँ पर ये सत्र समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समय काफी हो गया। तो मेरा ये जो ज्ञान, जो हम सब लोग अभी जो ज्ञान युग की यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसमें इसका भी मकसद एक ही है, भक्ति योग। ठीक है, अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब का प्रश्न है, दो और प्रश्न का है, और आगे भी आएगा तो हम लोग से चर्चा करेंगे अगले सत्र में। और अगर आप सब लोग का कोई प्रश्न हो, एक आध प्रश्न पूछने की इच्छा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु बोलिए। जी, एक प्रश्न है। कुरुक्षेत्र इतना बड़ा नहीं है कि उसमें 18 करोड़ योद्धा आ जाए। हाँ, तो माता जी, जो हम लोग भूलोक देख रहे हैं वो भूलोक भी नहीं है जिस भूलोक की हम चर्चा करेंगे। ये हमारा दृश्य दृश्य भूलोक दिखता है। एक्चुअली में भूलोक जो है वो बहुत बड़ी है। मैंने आप लोगों को बीच में बताया था, क्या बताया था, किसने सुना था? कभी कभी बीच बीच में कुछ कुछ मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहा हूँ। मैंने बताया था समुद्र के बारे में, कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र। अब परियों की हाँ, वो मतलब दादी अम्मा लोग भी बताती थी ना कि 7 समुद्र पार से राजकुमार आएगा, लेके जाएगा। तो ये सब कहानी, एक्चुअली में 7 समुद्र हैं। तो उसको एक्चुअली उसका फोटोग्राफ फोटोग्राफ जैसे है वो, मतलब जो हमारी भूमि है ना, जो ये हम देख रहे हैं, वो मात्र एक छोटी सी पिंड है, और जो ये क्षेत्र बहुत बड़ी है। अगर कहा जाए कि श्रीलंका, लंका को हम लोग बातें देखते हैं ना, लंका तो बगल में ही है। अगर रामेश्वरम से देखे तो मैं रामेश्वरम गया था, रात को देखा कि लाइट जब मतलब अंधेरा हुआ तो सामने में दिखाई दे रहा है पूरा लाइट, इधर चकमक जब, सब लोगों ने बताया कि वही श्रीलंका है। लेकिन लंका कूदा था, योजन योजन कूदा था हनुमान जी ने, और उसमें कितने सारे सुरसा आए, पहाड़ आए, तो वो तो मतलब तो उस रास्ते में है नहीं, तो सिंबॉलिक ही है। लेकिन हाँ, राम सेतु बनी हुई है, तो भगवान अपने अंश को छोड़कर ही जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो क्षेत्र जो आपने कहा, वो प्रश्न सही है, लेकिन वो क्षेत्र हम सब जो देख रहे हैं, किसी हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो है नाम पड़ा उस छो जगह छोटा जगह का, हरियाणा में जो जगह है, लेकिन हाँ जी, एक्चुअली में, हाँ
एक्चुअली में देखा जाए तो हस्तिनापुर कहाँ पे है? हस्तिनापुर दिल्ली को हस्तना। नहीं, दिल्ली को, मेरठ को हस्तिनापुर बोलते हैं, और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, जहां अच्छा पर, हाँ जहां पर इंद्रप्रस्थ, जहां पर पांडवों ने अपना बहुत सुंदर सा राज्य बनाया था, और उसको बाद में अर्जुन ने, मतलब बाद में दुर्योधन ने हड़प लिया, उसको भी ले लिया था। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली है, हस्तिनापुर जो है वो समझिए मेरठ है, मेरठ के आसपास का है। अब मेरठ से कुरुक्षेत्र तो काफी दूर है ना, तो हाँ जी आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली कुरुक्षेत्र का एरिया जो था वो हस्तिनापुर से सटता था, तो काफी मान लिया जाएगा कि अब उसको डिफाइन कर दिया ना, परसीमन लगा दिया, चाहे हरियाणा को डिवाइड कर दिया, यूपी को डिवाइड कर दिया, ऐसा पहले ऐसा तो था नहीं ना, पहले हरियाणा पंजाब थोड़े था, तो ये क्षेत्र थी, तो कुरुक्षेत्र बहुत लंबी चौड़ी। मैं आपको आज के हिसाब से बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ जो कि वास्तविक रूप है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो मेरठ और कुरुक्षेत्र के बीच में काफी लंबी डिस्टेंस है, तो हम मान सकते हैं कि उतनी बड़ी युद्ध भूमि रही। अच्छा प्रश्न था आपका माता, मतलब आप सोच के क्या, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, और कोई प्रश्न है अच्छा जी माता? चलिए ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सब लोग यहाँ पे सत्र को समापन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, और आप लोगों को फिर से राखी कल है, आप लोगों ने जो लोग, अच्छा अब 9 बजे के बाद भी, 9 बज के 10 मिनट के बाद राखी बांध सकते हैं, कल उदयातिथि में राखी बांध सकते हैं, सुबह में टाइम वैसे 7 बज के 6 मिनट, लेकिन उदयातिथि में लोग कहते हैं कि राखी का जो है वो बांधा जाता है। और अगर आज रात में आप सब लोग बांधना चाहते हैं, अपने भाई अगर आपके घर में आए हुए हैं, तो रात को भी आप लोग बांध सकते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सब लोग से मैं फिर से आग्रह करूंगा, और सभी ने निवेदन, आप लोग प्रेरणा देते हैं तो हम सब लोग यहाँ पर बैठकर कुछ आप सब लोग के लिए, मैं भी आज मतलब एक तो ऑफिस से 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वापिस आया हूँ, तो दूसरे प्लांट में जाना पड़ा, फिर वहां बैठकर किसी तरीके से कुछ समय निकाला, और जब अध्ययन करने लगा तो मैं खुद ही, मैं सोच रहा था कि ये बड़ा ही मतलब क्लिष्ट चीज है, इसका ज्ञान को देने में मैं खुद ही, कभी पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था, धीरे 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 करके कुछ श्लोक पढ़ता गया, अंत में फिर जो भी मैं मिश्रित करके जो लिख कर मैंने रखा वो आप सब लोग के सामने मैं प्रस्तुत किया, यही सोचकर, यही ज्ञात करके कि जितनी भी चीजें भगवान ने हम सब लोग को ज्ञान दिया है, हमारे अंदर में भक्ति जो है प्रवाह पड़ी, आप सब लोग के लिए भी मैंने वही प्रयास किया, और मैं अब मेरे शब्दों से अगर कहीं पे भी कोई त्रुटि हो या कहीं से आप सब लोग के मन को कभी ठेस पहुंचा हो, ऐसा मेरा एक भी कोई ध्येय नहीं है, मेरे लिए आप सब लोग उतने ही प्रियजन है जितना कि मैं अपने आप को अपने लिए मानता हूँ, सब लोगों के लिए मेरा संभाव है, और दृष्टि से आप सब लोग मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है, इसलिए मैं आप सब लोग को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए और आग्रह करते हुए कल आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, और अच्छी अच्छी मिठाई खाइए, खिलाइए सब लोग के साथ में, परिवार के साथ में, हलवा कल पूरी भगवान को भी खिलाइए, भगवान को भी राखी बांधिए, और खासकर कल बलराम जयंती है, बलराम जयंती हाँ तो कल बलराम जयंती है, तो बलराम जी को याद करिएगा, क्योंकि तो वो गुरु तत्व है, मैंने आप लोग को भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला, गुरु के शरण में जाना होगा, अगर हम लोग कुछ ना हो तो कम से कम बलराम जी को अपना गुरु बनाना, बलराम जी बड़े दयालु, तो आप उनको अपना गुरु बनाकर कल उनके लिए, उनको मालपुआ बड़ा पसंद है, उनको दो तीन चीजें और है फ्रूट्स में, वो क्या बोलते हैं ब्लैक बेरी, ऐसे वो सब चीजें पसंद है, आप लोग को अगर कहीं मिले तो उनको, उनके लिए भी आप लोग अर्पित करिए, कृष्ण को, बलराम जी को, सबको आप लोग राखी बांध सकते हैं, भाई को भी बांधिए, और पूरी पनीर का सब्जी है, और भी सी चीजें हैं वो सब भगवान को खिलाइए, और कुछ जो है मानसिक रूप से मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं भी यहाँ पर ग्रहण कर दूंगा। सो मच, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी कल राखी कुछ टाइमिंग बोलिए ना प्रभु जी, कल का आज पता नहीं क्या, शाम तक बोल रहे, फिर कल पता नहीं है क्या टाइम है, एक बार बोलिए प्लीज प्रभु जी। कल सुबह में एक्चुअली में तो 7 बज के 6 मिनट तक ही है, लेकिन उदयातिथि मतलब सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है, हम सब लोग जो है उसी को मानकर राखी मान लेते हैं।
आज भी राखी 9 बज के, अब तो 9:30 हो गया, 9:37 हो गया, आज भी राखी आप लोग बांध सकते। आज राखी अभी बांधने का समय स्टार्ट हो गया है। भद्रा था, राखी का तो समय आ गया था, पूर्णिमा शुरू हो गई, लेकिन भद्रा काल में कहा जाता है कि भद्रा काल में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। क्यों आप लोग को मालूम है? नहीं, मेरा अभी यही आपसे प्रश्न होने वाला था कि क्या होता आपका समय ले ले रहा हूँ, क्योंकि उनका उसका कारण भाई की मृत्यु। तो माता जी बोल रहे थे कि भाई की मृत्यु एक्चुअली में रावण को शूर्पणखा ने जिस समय में उसने ये माता सीता का जब हरण किया था, उस समय में जो राखी के समय में भद्रा में ही उसने राखी बांधी थी रावण, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने भाई के आयु की कामना करने वाली बहन भद्रा में कभी भी अपने भाई के राखी बांधेगी नहीं, इसीलिए भद्रा के समय में मना किया था। भद्रा खत्म हो गया है, अभी जिनके घर में भाई हैं उनको रात को ही टीका चंदन जो भी है आरती उरती करके उनको मिठाई उठाई खिलाकर और राखी बांध लीजिए, और उनसे जो है जो लेना है वो ले लीजिए। बाकी अगर ना हो तो सुबह में, क्योंकि भाई लोग सुबह सुबह उठ के वो स्नान करके तैयार होंगे नहीं। अब हम लोग जैसे हो तो हम लोग तो 4 ही बजे स्नान करके तैयार रहते हैं, तो एनीवे हमारी बहन, हमारी तो कोई ऐसी सिस्टर है नहीं, तो हम 2 ही भाई हैं। तो बाकी लोग जो जिनके भाई हैं वो लोग आज बांध ले, नहीं तो कल सुबह में उनको बता दीजिए कि जल्दी उठना है। लेकिन वैसे भी माता जी, गायत्री माता जी ने पूछा था कल के दिन पे आप बांध सकते राखी, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, मैंने जो बोला धन्यवाद उसमें प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्णा, हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद कृष्णा माता जी, जी का मैं प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, मैं सत्र को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय।